तो हेलो गाइस, आज का जो हमारा गाना है वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना है। बहुत ही ज़्यादा इस गाने की म्यूज़िक लोग पसंद करते हैं, और ये गाने का नाम है, ये एक देशभक्ति गाना है। तो इस गाने का नाम है आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाना है और ये अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा पसंद करा गया था। और अगर इसी तरीके के देशभक्ति गीत अगर और सीखने हैं हारमोनियम पे या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा लिंक, इस पर क्लिक करके देख लीजिए, सारे इंस्ट्रूमेंट से मिल जाएगा, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो अगर कोई और सा सीखता हो तो वो भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस गाने की। ये गाना कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है, और ये गाना एक मूवी परदेश का है जो कि आई थी 1997 में। हाँ, 1997 में आई थी जो कि मूवी। तो ये बहुत ज़्यादा पसंद करा गया था, और उस टाइम पे ऐसा था, इस गाने का मेन एम ये था, ये गाना लोगों को ये बता रहा है कि मतलब उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा अमेरिका जाने की सोचते थे। उनको लगता था कि हमें अमेरिका जाना है, बस किसी भी तरह से बड़े होकर तो पढ़ना लिखना है, फिर अमेरिका जाना है। तो ये गाना इस चीज़ को बताता है कि मतलब हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है, अमेरिका से भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये गाना इस चीज़ को बता रहा है। तो गाइस, शुरू करने से पहले हम बता देते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप जरा सा भी मत करना, क्योंकि इस गाने के एंड में हम ये भी दिखाएंगे कि इस गाने को बजाते हुए गाना कैसे, हम लोगों को कैसे कॉर्ड्स पकड़ के गाना है, तो ये भी हम बताएंगे इस वीडियो के एंड में। तो चलो बिना वक्त जाया करें, शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जो ये है, इस गाने की जो की है वो ये है कि स्टार्टिंग में जो होता है हरे रामा वाली लाइन, वहां पर जो की है वो है ये ई फ्लैट है, और फिर उसके बाद पूरे गाने में ये लगेगी जी शार्प माइनर, ठीक है, याद रखना, ई फ्लैट जी शार्प माइनर। अब देखो, बजा के दिखा देते पहले, ठीक है, कैसे बजा रहा है। तो गाइस, चलिए अब इसको हम कैमरा एंगल चेंज करके लाते हैं, तब आपको दिखाते हैं सही से, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग इस कैमरा एंगल पर आ गए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं जो उस गाने की जो फर्स्ट थोड़ी बहुत लाइनें हैं, तो मतलब फर्स्ट 4 लाइन्स है जो वो ये है, ऐसा है, हरे रामा 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 हरे रामा 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 हरे, ऐसा करके ना। तो ये काफी अच्छा है, अच्छी म्यूजिक है। तो ये इस कॉर्ड पर है, ई फ्लैट, देखिए कॉर्ड लगेगा, ठीक है, हर बार। तो यहाँ पर हम इस शो में दिखा देते हैं, तो
कैसा होगा? रिकॉर्ड लगेंगे और इसी को थोड़ा अगर और अच्छे से, अगर आपको थोड़ा अच्छा हारमोनियम बजाना आता है तो आप ये भी कर सकते हैं, ये नोट बीच में ले सकते हैं जाते हैं। आते टाइम भी और यहाँ पर ये टच कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हम लोग की नेक्स्ट लाइन है वो है जो म्यूजिक जो बहुत अच्छी लगती है, वो म्यूजिक ही है। देखिए ऐसे बजेगी, इसी को थोड़ा सा और ज्यादा वैसे लेंगे। अब यहाँ पर ये नोट टच करना है हम लोगों, और यहाँ पर ये नोट टच करना है, और यहाँ पर वापस आते टाइम ये नोट टच करना है, और फिर से एक नोट हमने ये सोचा है, ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, हमने अपने मन से लगाया है, तो देखिए देखा ये नोट लग जाएगा। अब जो गाना है, गाना ये मध्य सप्तक और तार सप्तक के पा एक साथ बजाने। और इसको थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगेगा तो ऐसे लीजिए, ये नोट टच करना है। फिर से देखिए ये दोनों लाइन है, और
इन दोनों लाइनों के बाद ये कॉर्ड भी लगेंगे। ठीक है, तो अब ये पूरा गाना हो चुका है, तो अब हम लोग को ये देखना है कि गाना कैसे है। तो गाना देखिए सिंपल सा है, बस ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India। तो ये गाना है, तो ये बेसिकली ये तीन, सॉरी ये दो कॉर्ड है, ये जो कि ये कॉर्ड है, बट हम इस नोट की जगह ये नोट ले रहे हैं, तो ये कॉर्ड यही है, जी शार्प माइनर है, तो ये नोट ये ले रहे हैं, और ये है सी शार्प मेजर, सी शार्प माइनर। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले, और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और क्या चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर किसी और गाने भी चाहिए कोई गाना तो कमेंट करके बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन कर दें अगर मेरी वीडियो देखना हो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, वैसे अच्छी लगती होगी अगर देखते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।